भारत गौरव ट्रेन पर आधारित रामायण सर्किट रेल यात्रा के सफल संचालन के उपरांत एक बार फिर 24 अगस्त से पर्यटकों की मांग पर रामायण सर्किट रेल यात्रा का शुरुआत की जा रही है, जिसकी जानकारी IRCTC ने दी है। भारत गौरव ट्रेन पर आधारित रामायण सर्किट रेल यात्रा के सफल संचालन के उपरांत एक बार फिर पर्यटकों की मांग पर 24 अगस्त से दूसरी रामायण सर्किट रेल यात्रा की शुरुआत की जा रही है, यह जानकारी IRCTC ने दी है। यह रेल दिल्ली सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होकर यह यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की होगी। पहले की भांति ट्रेन भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों से जैसे अयोध्या, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम एवं भद्रचलम का दर्शन कराएगी। इस ट्रेन में थर्ड AC श्रेणी की कोच होंगे। इसमें कुल 600 यात्रियों के शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ सफर का आनंद ले सकेंगे। एक व्यक्ति को ठहरने पर पैकेज का मूल्य 84,000 रुपए प्रति व्यक्ति है। दो तीन व्यक्ति के साथ रुकने पर 73,500 रुपए प्रति व्यक्ति है। इस यात्रा में IRCTC द्वारा पहले 100 यात्रियों की बुकिंग पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इस यात्रा पर पात्रता के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को ITC का लाभ मिलेगा। समाज के सभी आयु वर्ग को रामायण सर्किट की यात्रा का लाभ देने हेतु IRCTC मासिक किस्तों में शुल्क अदायगी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार की यात्रा निकालनी है, क्या खर्चा है, किस तरह की सुविधाएं उसमें? जी, मैं अजीत कुमार सिन्हा, चीफ रीजनल मैनेजर IRCTC लखनऊ, आपसे मुखातिब हो रहा हूं। और हम लोग IRCTC की तरफ से रामायण सर्किट यात्रा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। रामायण सर्किट यात्रा जो है, भारत गौरव ट्रेन पर आधारित ये रामायण सर्किट यात्रा है और इसका हाल के दिनों में सफल संचालन किया गया था। और उसके पश्चात लोगों का उत्साह देखते हुए, पर्यटकों का उत्साह देखते हुए और देशवासियों का प्रोत्साहन देखते हुए एक बार फिर उसी सीरीज़ में हम अगली यात्रा 24 अगस्त से लेके आ रहे हैं। यह गाड़ी दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से ओरिजिनेट हो रही है और ये पूरी यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की है। इसका जो स्टॉपेज है उत्तर प्रदेश के अंदर 4 जगहों पर रखा गया है, वो अलीगढ़ जंक्शन, टूंडला, कानपुर और लखनऊ में रखा गया है। इस पूरी यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम से जुड़े जितने महत्वपूर्ण स्थल हैं वो सारे दिखाए जाएंगे। और इसमें अयोध्या से शुरुआत होगी, राम जन्मभूमि को देखने के बाद पूरी यात्रा सीतामढ़ी की तरफ प्रोसीड करेगी। सीतामढ़ी के बाद जनकपुर धाम, जो नेपाल के अंतर्गत स्थित है, वहाँ जाती है यात्रा। वहाँ से वापस आते समय बक्सर में रुकते हैं, बक्सर से वापस वाराणसी, फिर प्रयागराज, चित्रकूट, इसके आगे नासिक, हम्पी, सुदूर दक्षिण में फिर रामेश्वरम पहुंचते हैं और वापसी के दौरान कांचीपुरम और भद्रचलम होते हुए दिल्ली सफदरजंग को यात्रा वापस लौटती है। तब्दीली की गई पिछली, इसमें पिछली यात्रा जो थी वो 17 रात्रि 18 दिनों की थी और ये नई यात्रा 19 रात्रि 20 दिनों की है, ताकि यात्रियों को, पर्यटकों को सारे स्थलों को ठीक से देखने का मौका मिले। यात्रा करने का शुल्क की बात की है तो शुल्क रहेगा? इसमें जो खास बात है उसमें ये रखा गया है कि हर आय वर्ग के लोगों को इसमें शामिल होने का मौका दिया गया है, इसलिए किस्तों में पूरी राशि के भुगतान की सुविधा दी गई है। जो शुल्क है इसमें 73,500 रुपये का है और इसको अगर आप 36 महीनों में पे करना चाहते हैं तो प्रति माह प्रति व्यक्ति 2690 रुपये के शुल्क की अदायगी करनी पड़ेगी। इस बात का ख्याल रखा गया है कि हर निम्न आय वर्ग का लोग भी, जिसके अंदर श्री रामायण यात्रा पर जाने की अभिलाषा हो, वह इसमें शामिल हो सकता है। साथ ही इसमें कंफर्ट क्लास और प्रीमियम क्लास की भी सुविधा दी गई है। 19 दिनों की यात्रा में, 19 रात्रि की यात्रा में जो रात्रि विश्राम है वो 9 दिनों का है और उन 9 रात्रियों में हमने कंफर्ट क्लास और प्रीमियम क्लास कस्टमर के डिमांड पे उसको प्लान किया है कि जो कस्टमर जिस हिसाब से चाहते हैं वो उस चीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो बसों से घूमने की सुविधा, गाड़ी पर खाने पीने की सुविधा और इनफैक्ट सारी जो कीमतें हैं यात्रा के दौरान, जो पैसे लगेंगे आपको घूमने में, वो सारे IRCTC के इसी शुल्क के माध्यम से पे किए जाएंगे। देखिए, IRCTC भी मार्केट का एक फोर्स है और हमने भारतीय रेल से भारत गौरव ट्रेन लिया है और इस भारत गौरव ट्रेन में बेसिकली 14 कोचेज की एक ट्रेन है, जिसमें 11 थर्ड AC के कोचेज हैं और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक पेंट्री कार है। और उन कोचेज में लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए जो पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी बनाई गई है।
जो बाकी दूसरी कंपनियां हैं वो भी इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी इस मामले में मेरी जानकारी सीनियर सिटीजन को लेकर क्या कुछ इसमें इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाने वाले में जो नंबर होगा वो सबसे ज्यादा उन्हीं लोग देखिए, इसमें खासतौर से बुजुर्ग लोग की यात्रा ज्यादा होती है और हर व्यक्ति चाहता है अपने माँ पिताजी को या जो भी बुजुर्गवार हैं अपने घर में उनको भेजना चाहते हैं इस यात्रा पे। तो अभी शुल्क के मामले में ऐसा कोई विशेष कॉन्सेशन नहीं है उनके लिए, एक्सेप्ट कि वो जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की सुविधा है, लेकिन हाँ इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा और आने वाली यात्राओं में जो संभव प्रयास होगा इस मामले में सहूलियत देने की वो हम लोग रखा गया है। कितने साल तक के बच्चे का शुल्क नहीं? देखिए, जो इंडियन रेलवे के नॉर्म्स हैं टिकटिंग के, वही नॉर्म्स इसमें भी लागू होते हैं। 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनके शुल्क नहीं लिए जाते। जी, जानकारी में हमारे आई है कि दक्षिण भारत में भी किसी कंपनी ने भारत गौरव ट्रेन लिया है और वो भारतीय रेल के नेटवर्क से वो भारत गौरव ट्रेन। ठीक है सर, धन्यवाद। अपना पाथ ले रहा है और एक डेडिकेटेड रूप से ये ट्रेन चलेगी उन सभी स्थानों को कनेक्ट करने के लिए जो कि आपको बताया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कंसेप्ट है भारत गौरव ट्रेन का, जो नया कंसेप्ट है कि न सिर्फ IRCTC बल्कि अन्य कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी कंपनी इस भारत गौरव कंसेप्ट का लाभ उठा सकती है, वो अपने हिसाब से एक रूट प्लान कर सकती है और लोगों को की डिमांड को देखते हुए ये सुविधा हमारी भारतीय रेल के पाथ पर चला सकती है। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके क्षेत्र खमौली के मुड़ी में BS मार्केट फ्रेंड्स कैफे एंड रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनुअल फंक्शन, गोद भराई, ऑफिस मीटिंग के लिए संपर्क करें अपने नज़दीकी फ्रेंड कैफे एंड रेस्टोरेंट पर। पता BS मार्केट, मुड़ी चौराहा, नियर बियर वाइंस होम, जलेसर रोड, आगरा। फ़ोन नंबर 8630188419 8218 5842।